हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या आप हरियाणा से हैं और क्या अभी तक आप बेरोज़गार बैठे हैं? तो हरियाणा सरकार ने आपके लिए स्कीम चला रखी है। यदि आप 12वीं पास है और बेरोज़गार हैं तो आपको हर महीने 900 रुपये मिलेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन पास आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से और आप बेरोजगार हैं, आपको 1500 रुपये सरकार हर महीने देगी। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आपको 3000 रुपये प्रति महीना आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको फार्म भरना पड़ता है, ठीक है? और फार्म कैसे भरना है, क्या पूरा प्रोसेस है, कब पैसे मिलते हैं, यदि आप ये सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए हर रोज़ नई नई अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। और अपना खुद का ऐप भी है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। यदि आप किसी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप की सहायता ले सकते हैं और ये आपकी मदद ज़रूर करेगा आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, आपके सिलेक्शन में। यहाँ पर अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का, जाइए और चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप सरकार से पैसे लेना चाहते हैं और बेरोजगार हैं तो अब हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से आपने सुना होगा बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ते का सिस्टम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से फार्म अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्कीम चली थी वो आपकी चली थी 1988 में, पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे मैट्रिक पास को 50 रुपये मिलते थे एक महीने के, प्लस टू पास को 75 रुपये मिलते थे और ग्रेजुएशन पास को 100 रुपये मिलते थे महीने के 1988 में। इसको फिर 2-3 बार रिवाइज किया गया। अभी जो पैसे मिलते हैं वो इतने पैसे आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, प्लस टू पास के लिए आपके 900 रुपये हैं, ग्रेजुएशन पास के लिए 1500 रुपये हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास के लिए 3000 रुपये प्रति महीना है। इसके बदले आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, वो अलग चीज़ होती है जिसमें आपको काम करना पड़ता है, वो सक्षम योजना होती है जिसमें आपको 8-9000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं ना तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए, उसकी वीडियो भी मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल के लिए वो अलग से बना दूंगा जो आपकी मदद जरूर करेगी। आप कमेंट करोगे तो जरूर बना देंगे, ठीक है भाई। तो आपको पैसे का पता चल गया, सरकार ये पैसे देती है आप बेरोजगार हो आपकी मदद के लिए, ठीक है। अब इसको फार्म कैसे भरते हैं और कब से पैसे मिलते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और फार्म भर के पूरा कंप्लीट फार्म भर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है hrex.gov.in, ठीक है। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद में आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, साइन इन का ऑप्शन है और रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरा अभी तक अकाउंट नहीं है तो मैं साइन इन नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन करूँगा, क्योंकि पहले मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं लॉग इन कर पाऊंगा, साइन इन कर पाऊंगा ना। तो हम रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पेज खुलेगा, यहाँ पे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे एंटर करना है। और दोस्तों, जो आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके ऊपर OTP आएगा और ये आपको आगे के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसलिए आपका जो प्रॉपर मोबाइल नंबर है ध्यान से वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो 9896588580 इस नंबर को हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद में नीचे आपको इस बॉक्स में जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, टेढ़े मेढ़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, ठीक है।
और आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है, ये जो अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहे आपको, ये समझ में नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो ये गोल गोल सर्कल का निशान है, तीर बीच में ऊपर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, नई इमेज यहाँ पे आ जाएगी, नए अक्षर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और आप वो एंटर करके यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुल हो गया है। ओटीपी देख लेता हूँ मेरे मोबाइल पर किस आ गया नहीं आ गया, 158 315, ठीक है। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर एज जॉब सीकर ही करना है, क्योंकि आप जॉब की तलाश में हैं। तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे राजेश लिख देता हूँ। मिडल नेम में लास्ट नेम में जो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है वो कर दीजिए, जो आपका नाम है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो ईमेल आईडी आपकी जो है आपकी प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए भाई, क्योंकि इसको इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है कोई भी, ठीक है, पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो वो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ बना लेता हूँ। एक काम कीजिए आप, क्या है, अपना नाम लिख लीजिए, उसके बाद पहला अक्षर बड़ा कर लीजिए और सारे छोटे कर लीजिए, और जो भी आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे अक्षर भी होने चाहिए, बड़े अक्षर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। उसके बाद में कैप्चा कोड एंटर कर देना आपने, तो कैप्चा कोड भाई जो भी है इसको दो देख के हम डाल देते हैं 2KQ, ठीक है भाई। और साइन अप पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, काइंडली चेक इन स्पैम फोल्डर। दोस्तों अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करके, ठीक है। तो हम अपनी ईमेल आईडी जो है वो ओपन कर लेते हैं मेरे भाई। तब तक आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि आपके एरिया की कभी जॉब आए तो आपको समय रहते सही समय पर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ठीक है। जल्दी से एक बार बता दीजिए आप किस जगह से हैं, क्या काम करते हैं, बेरोजगार हैं तो अभी किस चीज़ की तलाश में हैं, किस प्रकार की जॉब आप चाहते हैं। आपको जीमेल आईडी ओपन करनी है दोस्तों, जीमेल आईडी। तो यहाँ पे जीमेल मैंने ओपन कर ली है, और यहाँ पे देखिए पहला ईमेल आ गया है मेरा support@hrex.employment की तरफ से। आपको इस पर क्लिक कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक करना है जब आपकी वो डिटेल एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस पर क्लिक किया, योर यूजर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, काइंडली यूज योर ईमेल आईडी एज यूजर नेम, ठीक है। आपको साइन इन करना है, साइन इन में आपको ईमेल आईडी यूजर नेम में आपको एंटर करनी है। तो ईमेल में हम जो हमारी ईमेल थी यूजर नेम में वो डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका पासवर्ड आपने जो बनाया था वो आप पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है भाई। छोटे अक्षर है तो छोटे अक्षर, बड़े अक्षर है तो बड़े अक्षर। उसके बाद में साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसमें लॉगिन हो गए सक्सेसफुली, ठीक है भाई, सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। अब आपको होम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में क्लोज कर देना है। अभी इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है आपको दिखाई देगी लॉगिन करने के बाद और होम बटन पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कर रहा है आपकी डिटेल को, अटैच कर रहा है कि आपकी आपने कितने परसेंट आपने फार्म भर रखा है, प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है कितनी अनकम्प्लीट है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने वाला है। तो हम एक बार वेट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो लोडिंग है अभी हो रही है, तब तक आपके लिए जो अपने ऐप पर ऑफर चल रहे हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। अभी अपने ऐप पर अनेक प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध है, ठीक है। HSSC के 115 पुराने पेपर हैं, ठीक है ना।
तो दोस्तों आगे अब चलते हैं। देखिए इस तरीके से आपका ओपन होगा, आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है, उसके बाद में प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद में फिर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, आपकी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो सारी डिटेल है वो एंटर करनी है, मिस्टर है तो मिस्टर है, एकेडमिक डिटेल आप कुछ लगाना चाहते हैं आपके सामने वो लगा सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, मेल है तो मेल कर लीजिए, फादर नेम जो भी आपका वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं लिख देता हूँ अमित, ठीक है भाई, अमित कुमार फादर का नेम है, मदर का नेम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ रानी, ठीक है, आधार नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना है मेरे भाई, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 12 अक्षर का, यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड है वो वैलिड ही डालना पड़ेगा, ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, एक मिनट का आप मुझे समय दीजिए। ठीक है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया, प्रॉपर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करनी है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे बता दीजिए, तो पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका ईयर है, ठीक है, उसके बाद में आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड अनमैरिड के बारे में बताना है तो बता दीजिए, मैरिड है आप अनमैरिड है तो वो आप लिख दीजिए, रिलीजन क्या आपका हिंदू है आप कोई और हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, उसके बाद में कैटेगरी कौन सी आपकी एससी बीसी जो भी है, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जो आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फार्म भरने की कोई भी फीस नहीं होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे एससी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे जर्नल ही रहने देता हूँ ताकि मेरे को डिटेल एंटर ना करनी पड़े, लेकिन यदि आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो कोई एससी बीसी सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर किसके द्वारा दिया गया है वो डिटेल और कब आपको इश्यू हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपसे एड्रेस की डिटेल पूछेगा, तो आप यहाँ पे शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं वो आप यहाँ पे बता दीजिए, उसके बाद में आपका स्टेट कौन सा है वो आप मेंशन कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उसके बाद में आपकी तहसील कौन सी है वो आप यहाँ पे बता दीजिए, उसके बाद में जो आपके गाँव का नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो भी आपके गाँव का नाम है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंदन नगर, ठीक है, उसके बाद में पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद में हाउस नंबर में कुछ डालना है, लोकेलिटी डालनी है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, जो यानी एड्रेस तो आप अच्छे तरीके से डाल ही सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, उसके बाद में आपको आपका परमानेंट एड्रेस और जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दीजिए, आपका दोनों जगह एड्रेस है वो सेम हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको फिल कर सकते हैं यदि आप अलग अलग जगह पे एड्रेस भरना चाहते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिस्ट पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन जो आपकी यहाँ पे आपको एंटर करनी है, तो सबसे पहले क्या है आपको एड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको लेवल बताना है कि आपने क्या कर रखी है, 10th है, उसके बाद में SSC, जैसे हम पहले 10th की डिटेल डालेंगे, ठीक है, नोट एप्लीकेबल है 10वीं में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड कौन सा है आपका वो बता देना है, जो भी आपका बोर्ड है ना वो आप यहाँ पे बता दीजिए, तो यहाँ पे आपको जो आपका स्कूल का बोर्ड है वो एंटर कर दीजिए, हरियाणा बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, किसी और बोर्ड से हैं वो आप यहाँ पे बता दीजिए, अभी मैं जैसे एंटर कर देता हूँ 2007 में पास की है, उसके बाद में आपको रोल नंबर बताना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो मेंशन कर दीजिए, उसके बाद में परसेंटेज में आप बताना चाहते हो अपने नंबर या फिर आप CGPM बताना चाहते हो आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो टोटल मार्क्स जैसे 500 थे मेरे कितने आए भाई 400 आए ऐसा डाल देते हैं, 80% नंबर फुल है भाई, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं कॉमे के साथ में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश
नीचे जैसे आप एंटर करोगे ना, नीचे आपको दिखाता रहेगा मैथ, साइंस और उसके बाद में सोशल साइंस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, उसके बाद में ऐड पे क्लिक कर देना, हमारे दसवीं की जो डिटेल है वो ऐड हुई। अब हमें प्लस टू की डिटेल और ऐड करनी है, दोबारा से ओपन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सभी भर सकते हैं, प्लस टू वाला भी, आईटीआई वाला भी, डिप्लोमे वाला भी, पॉलिटेक्निक वाला भी, ग्रेजुएशन वाला भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी, पीजी डिप्लोमे वाला भी, पीएचडी वाला भी और अदर्स, ठीक है। तो प्लस टू की डिटेल और डालते हैं, प्लस टू वोकेशनल है या आपने डायरेक्ट की है वो आप बता दीजिए, स्पेशलाइजेशन आर्ट में है, कॉमर्स में, साइंस में, आपने किससे किया वो बता दीजिए, ठीक है। आपकी स्कूल का जो बोर्ड है वो आप यहाँ पे बता दीजिए, एचबीएससी है सेलेक्ट कर लीजिए। आपने कब पास की है, तो 2007 में मैंने दसवीं, हम दिखा देते हैं भाई 2012 में की मैंने प्लस टू, ठीक है। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आप सी जी पी ए बताना चाहते हैं, परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं वो बता दीजिए। तो मैं मान लेता हूँ 500 में से मेरे 400 नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट लिखने हैं अपने, तो हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद में भाई क्या क्या होता है, मैथ लिख देता हूँ, प्लस टू में भी मैथ था मेरे पास, उसके बाद में आर्ट था भाई मेरे पास, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन था भाई मेरे पास, ठीक है। ये हमने पांच सब्जेक्ट एंटर कर दिए, जो जो आपके सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ये हमने दसवीं और बारहवीं की डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन की यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास और भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा डिटेल को, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पे कोई स्किल वगैरह आप बताना चाहते हैं, आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है भाई, मैं इस चीज़ में एक्सपीरियंस हूँ, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अदरवाइज आप इन सारी चीज़ों को खाली छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, हमारा डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास में, तो एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ पे बता सकते हैं, अदरवाइज आप खाली ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे करंटली वर्किंग एनीवेयर पे आप टिक मार्क कर दीजिए, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे इसको टिक मार्क ना कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको हाइट बतानी है, वेट बताना है, चेस्ट बतानी है, ब्लड ग्रुप बताना है, आई साइट बतानी है, जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड करते हो, यदि आपको, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट वाला डिपार्टमेंट है ना, ये आपको ऑफर भी करता है, उनके पास कोई डिटेल आती है भाई किसी कंपनी को ज़रूरत है या किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, तो उस टाइम पे आपको ये मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं 15,000 में काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क लोकेशन, आप डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना चाहते हैं भाई, या स्टेट में काम करना चाहते हैं, विद इन कंट्री करना चाहते हैं, एनीवेयर करना चाहते हैं, तो मैं एनीवेयर कर देता हूँ भाई, ठीक है भाई, मैं कहीं भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी किस प्रकार की जॉब आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है, तो आप इन पे क्लिक करके, जैसे कोई भी, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं योगा की जॉब करना चाहता हूँ, तो योगा तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको निकालनी है भाई आप किस चीज़ की जॉब करना चाहते हैं। तो रिटेल में आप एंटर करोगे तो रिटेल की यहाँ पे कई प्रकार की वैकेंसी आ जाएगी, आपके आपके यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में एक बार फिर आपको कुछ बताना है, मार्केटिंग, मार्केटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद में एक और लिख देते हैं भाई, हम यहाँ पे फोटोग्राफर के लिए कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन आप यस कर दीजिए यदि करना चाहते हैं तो। वेदर विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब,
तो भाई कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम भी कर लेंगे भाई, लोन भी ले लेंगे भाई, देंगे तो प्राइवेट जॉब भी कर लेंगे भाई, मिलेगी तो स्किल ट्रेनिंग का कोर्स, कोई कोर्स प्रोवाइड करोगे आप तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। ये सारे यस करने के बाद में, सारी डिटेल एंटर करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फोटो लगाना है 20 KB से 100 KB का, 20 KB से लेके 100 KB के बीच में आपका ये फोटो ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई फोटो देख लेता हूँ कोई, तो जैसे ये फोटो लगा दिया भाई मैंने, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज बतानी है भाई, हिंदी आपको पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है। और ऐड करना चाहे तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कर सकते हैं भाई, मेरे को हिंदी लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए दो तीन ऑप्शन और दिए गए हैं, आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं, वन फैमिली वन जॉब वाला ऑप्शन है उसको यस कर सकते हैं, और यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप इसको यस कर सकते हैं, और पासपोर्ट की डिटेल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दूंगा, आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपकी जो डिटेल है, सभी पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे आप अपना जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, आपने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पे क्लिक कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइनल सबमिट कर दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ए प्रोविजनली वो आपका ये रहा, ठीक है, 9 जून यानी कि आज की डेट जो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली विद दिस नंबर, यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू विजिट हिसार एक्सचेंज। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं ना, उस डिस्ट्रिक्ट के जो एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहाँ पे आपको जाना है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो जिस दिन आप फॉर्म भरोगे, ये जो डेट है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। ये आपको एड्रेस दिखा देगा, ठीक है, और ये आपको डॉक्यूमेंट है आपके, जो सारी चीज़ें हैं वो साथ में लेके जानी हैं, और यहाँ पे आप अपनी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म तो आप भर लीजिएगा, आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल अब हमारी 100% कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ऊपर से रिव्यू करेंगे, ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, सारी डिटेल यदि आपकी सही होगी, आप वहाँ पे सही डॉक्यूमेंट चेक करके आओगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती कि पैसे कब मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पैसे मिलेंगे आपको, तो वे कब मिलते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको पैसे मिलते हैं इतने, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आपको रजिस्ट्रेशन आज किया आपने 2020 में, आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि रिन्यू कैसे करना है फार्म 3 साल के बाद में, यदि आप वो चीज भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, उसकी वीडियो भी मैं कंप्लीटली डिटेल से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझ में आई होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को जवाब देने की, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। मेहनत बहुत लगती है तो आप दिल खोल के सपोर्ट करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।